नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासुदा से। यहां लगातार बारिश के चलते सिरौन जाने वाली बेतवा नदी के पुल पर काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया था। उसके बाद प्रशासन ने पुल से गुजरने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया था। लोगों की सुरक्षा के लिए सांकेतिक बोर्ड की झंडी भी लगा दी गई थी। उसके बावजूद कहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हैं। वहीं बेतवा नदी के बर्री घाट पुल की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय प्रशासन को जल्द से जल्द दोनों पुलों का सुधार कार्य करवाना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को इन पुलों से गुजरने पर किसी भी तरह की समस्या और परेशानी से नहीं जूझना पड़े। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासुदा से LN चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। बासुदा से कुरवाई जाने वाले रास्ते पर अंबानगर चौकी से पहले एक पुल है, इसको गंज पुल के नाम से जाना जाता है। और जो नदी बेतवा पे बना है, इस पर कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण कई फुट ऊपर से बह रही थी नदी, जिसके कारण पुल अब भी नदी के लेवल में आ गई है पानी, जिससे अब दिख रहा है कि वहाँ पर पूरा पुल उखड़ गया है जगह जगह से और काफ़ी गंभीर क्षति पहुँची है पुल को। इस संबंध में सेतु निगम वाले जो आए थे उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसको गंभीर मतलब क्षतिग्रस्त बताया गया है और जिसपे से निकलना खतरनाक हो सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने और पुलिस के द्वारा वहाँ पर स्टाफ लगाया गया है, जो दोनों तरफ से लगे हुए हैं और आने जाने वालों को निकलने से रोक रहे हैं। परंतु इसके बाद भी देखा जा रहा है कुछ लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः सभी से निवेदन है कि बिना किसी उसके जब तक पुलिस द्वारा या सेतु निगम द्वारा उसको अच्छे ढंग से रिपेयर नहीं कर दिया जाए, तब तक उसको पार ना करें, जो आपकी जान के लिए जोखिम हो सकता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। पुलिस के द्वारा और प्रशासन द्वारा इस संबंध में पूरी एहतियात बरती जा रही है कि कोई लोग वहाँ से ना निकले, और एहतियात के तौर पर दोनों साइड से बंद भी किया गया है।